तीन का उपकार यदि हम आस्तिक है तो मानेंगे और तीन का उपकार मैं नास्तिक हूं तो भी मुझे मानना पड़ेगा। रिपीट, छह चीज का उपकार मेरे पर है, तीन का उपकार मैं धर्मी हूं तो शायद मानूंगा। गुरुदेव आपने कहा इसलिए मानता हूं, मुझे भी फेथ है, ट्रस्ट है, मानता हूं। और यदि आप धर्मी न भी हो, तीन का उपकार आपको मानना ही पड़ेगा। नंबर एक प्रकृति का उपकार, नंबर दो परिवार का उपकार और नंबर तीन प्रजाजन का उपकार। किसके बाप की ताकत ही तीन के उपकार को लेकर के ना बोले। प्रकृति का उपकार आपको मालूम है, बम्बे में एक मेंटालिटी, मैं बम्बे में बैठा हूं, बम्बे में एक मेंटालिटी बन गई है 10 जून होगी तो बारिश आएगा। क्या बारिश का तुमने सौदा किया है? बस बंबई वाले के मन में होता है कि 10 जून हुई बस बारिश आई, ये प्रकृति का तुम पर उपकार है। इतने पाप होने के बाद कभी मुंबई में सूखा नहीं आया, बारिश जम के गिरती है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, सच बोलो, ये हवा ऑक्सीजन तुम्हें मुफ्त में मिलता है, तब तक कदर नहीं थी। और विदाउट ऑक्सीजन कोरोना में कितने लोग मर गए, कितने लोग। आपको लगा एक गैस के सिलेंडर एक जिंदगी तबाह कर सकती है, यदि मिलता है परिवार के परिवार को मार दिया, ऑक्सीजन नहीं था तब। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपने प्रकृति की रक्षा करने का ठान लिया कब? आपने कब सोचा कि प्रकृति का इतना उपकार है मेरे पर? पानी दिया, पृथ्वी दी, वायु दिया, वनस्पति दे दी, क्या नहीं दिया प्रकृति ने? तो मैं पहले नंबर में पूछना चाहता हूँ, प्रकृति का दान अपड़ तो जबरदस्त है, अपने प्रकृति की सुरक्षा लिए तुमने अभी तक क्या किया? पानी बचाया। मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ, टॉप गियर में तुम्हारी गाड़ी चलती है और पिकनिक स्पॉट पे तुम जा रहे हो और रास्ता में आपकी नज़र गई, एक रास्ते में नल खुला पड़ा था, पानी बह रहा था, सच बोलो तुमने कभी गाड़ी को रोक करके नल बंद किया क्या? नेशनल ज्योग्राफी नाम का मैगजीन मैंने पढ़ा था, उसमें एक शब्द लिखा था, शायद तीसरा वर्ल्ड वॉर पानी के हिसाब से भी हो सकता है। पानी आपको कभी लगा? मैं आपको पूछना, आपके बाथरूम में 5 नल 7 नल 8 नल 10 नल क्यों है, मगर किसके लिए? 2 मिनट के लिए आपका हाथ थोड़ा बिगड़ गया, वॉश मशीन लेकर के तुम पानी से धोते हो, तुम्हें मालूम है कितना पानी तुम वेस्टेज करते हो? गृहस्थ जीवन में मैं भी था, स्वच्छ रहना इनका नहीं कि दुरुपयोग करते चलना। एक बार लेटरिन में जाओ तुम फ्लश से खींचो पानी तो 3 4 5 7 10 लीटर पानी खत्म। ये पानी की कीमत समझ, रेगिस्तान में जाकर के पूछो कि पानी की कीमत क्या हो सकती है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, पानी का दान की बात तो फिर करता हूँ, मगर पानी को बचाने का तुमने कभी काम किया? कभी आओ मुनि भगवान को देख करके, हमारा मैं नागपुर से बिहार करके, रायपुर से बिहार करके राजनांद गाँव आया था, मेरे साधु थे निर्मोह सुंदर विजय जी, वो कपड़े साफ कर रहे थे। 15 दिन तक हम कपड़े साफ नहीं करते थे, 15 दिन के बाद कपड़ा साफ कर जाता था, कपड़े के सामने 2 घड़े पड़े थे पानी के, और न मालूम एक पत्रकार आया और पत्रकार ने वो मुनि भगवान को कपड़े साफ करते देखा, वो हैरान था, नज़र तो तुम्हारी आनी चाहिए। और तब वो पत्रकार ने मुनि भगवान को पूछा, महाराज साहब ये इतने गंदे कपड़े और इतने ज़्यादा कपड़े 2 ही घड़े के पानी में पूरा जाता है, मज़े से तुम्हारे वॉशिंग मशीन में जितना साफ होता है उससे भी कई अच्छा साफ इसमें होगा, 2 ही घड़े पानी के और 10 12 कपड़े 15 दिन के गंदे क्लियर कट। आपको मालूम नहीं है, वो पत्रकार ने फोटो निकाला और दूसरे दिन अपने पेपर में दिया कि पर्यावरण को बचाने की सबसे बड़ी ताकत जैन साधु रखते हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, 2 ही घड़े के पानी से 10 कपड़े साफ कर सकते, तुम मेरे घर के बाथरूम की व्यवस्था तो बताओ। बस मजे से तुम जो कुछ भी करना करो, चैरिटी की बात करना पहले सुरक्षा तो करो, चैरिटी फिर करना पहले डिफेंस तो करो। आपके घर में लाइट खुली पड़ी है तो पड़ी है, वॉश मशीन खुला पड़ा है तो पड़ा है, बस किसके बाप की कोई चिंता ही नहीं तुम्हें। प्रकृति का इतना बड़ा उपकार, एक एक बूंद सोच सोच करके इनका उपयोग करना चाहिए। मगर सच बताऊं, अनप सनप पैसे तुम्हारे पास आने के बाद, सच बताऊं पैसे आने के बाद आपके जीवन में धर्म कितना बड़ा मालूम नहीं, पाप बहुत बढ़ गया।
पैसे ने धर्म बढ़ाने का काम कितना किया मुझे मालूम नहीं, मगर पाप तो तुमने बहुत बढ़ा दिया। आपके बाथरूम में 5-7-10 नल की जरूर क्या है, मगर एक हीटर एक गीजर ऊपर फुहारा, बस बस स्नान करो मजे से, और क्या बताऊं तुम्हें। रिपीट करना चाहता हूं, पर्यावरण की रक्षा की बात करने वाले को पूछो कि कहां है तुम्हारे पास पर्यावरण, और बताऊं सबसे ज्यादा पर्यावरण दूषित वैचारिक पर्यावरण है। वैचार सोच में ही तुम्हारी दूषितता है, वहां सामने इंप्लीमेंट कैसा होगा। नंबर एक, प्रकृति का उपकार मेरे पर बहुत है, बहुत। 15-15 दिन तक कपड़ा कुछ कुछ दिक्कत नहीं है। चलो आप मुनि भगवान नहीं बने हो, मगर एक बार आप चेक कर सकते हो कि कल का कपड़ा यदि इतना गंदा नहीं है तो हाथ साफ करने की जरूरत क्या है, मगर वाई। तुम इतने अमीर हो गए कि एक एक दिन में 3-3 जोड़ कपड़ा बदलते हो, हर कपड़े वॉशिंग मशीन में डालना जरूरी है। मैं बताऊं, आपके परिवार की बात नहीं करना चाहता हूं, इंडिविजुअल फॉर यू। एक बार आपके कपड़े देख लो, कुछ साफ करने जैसा नहीं है तो फिर क्यों, मगर 55 साल से दीक्षा ली, कभी स्नान नहीं किया। आओ मेरे पास, बोलना पड़ता है नॉन जैन को कि मैंने स्नान नहीं किया, वो दे कांट बिलीव कि 55 साल से कोई साधु स्नान नहीं कर सकता है, कोई हेल्प को डिस्टर्ब नहीं आई। पानी में असंख्य जीवे, बात तो फिर कभी करेंगे, भगवान महावीर ने जो बताई वो। मगर तू मेरे मन में प्रकृति पर भी यदि प्रेम होता तो तुम, रिपीट करना चाहता हूं, नंबर वन चैरिटी, प्रकृति का मेरे पर उपकार है, तुम मांगते रहना। पानी ने मुझे बहुत दिया,